नववर्ष के इस प्रथम सप्ताह का ये दिन हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले तथा रेलवे के ड्रीम प्रोजेक्ट के पहले चरण का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इससे पहले भी पिछला जो साल गया है इसके अंतिम सप्ताह में भी प्रधानमंत्री जी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भाऊपुर खुर्जा सेक्शन का शुभारंभ करके देशवासियों को नई सौगात दी थी। अभी भले ही 2020-2021 कोविड वर्ष होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी आपने देश की प्रगति का पहिया रुकने नहीं दिया, लगातार इसकी रफ्तार को बनाए रखा है। उसी कड़ी में आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो 306 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी मदार सेक्शन, इसका शुभारंभ करने के लिए मैं हरियाणा वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये कॉरिडोर कुल 1504 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 177 किलोमीटर हरियाणा से होकर गुजरता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए मुंबई तक बनकर जब ये तैयार हो जाएगा तो हरियाणा के औद्योगिक व कृषि उत्पादों की पहुंच सीधे बंदरगाह तक हो जाएगी। इस प्रकार ये कॉरिडोर हरियाणा से निर्यात की नई संभावनाएं बनाएगा और प्रदेश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इससे गुरुग्राम व फरीदाबाद के ऑटोमोबाइल, आईटी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल व फार्मास्यूटिकल उद्योगों को लाभ होगा। इसी प्रकार झज्जर के हमारे फुटवेयर और सीमेंट उद्योग, सोनीपत के ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एग्रो व फूड प्रोसेसिंग उद्योग, पानीपत के टेक्सटाइल, यमुनानगर का प्लाईवुड, अंबाला का वैज्ञानिक उपकरण, सिरसा के एग्रो एंड फूड, हिसार के लोहा और स्टील उद्योग, करनाल के धान उत्पादकों और फुटवेयर व कृषि उपकरण उद्योगों के लिए निर्यात के नए क्षेत्र खुल जाएंगे।